हेलो गाइस, आज फिर से आया हूँ अपने सतीश ब्लॉग में, लेके डीएस के ब्लॉग में, और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ, मैं सुबह से बहुत ही पंचायत का काम से और अपना गांव का पंचायत का काम से मैं बहुत बिजी था, हर एक ऑफिशियल वर्क कर रहा था, तो इसलिए आप लोगों को मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो अभी इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, ये अपना ग्राम साहब है रोज का और मैं, तो हम दोनों भी अभी फिर से ऑफिशियली काम जा रहा हूँ फिर भी, लेकिन आप लोग को एक चीज़ में दिखाऊँ बोल के मैं आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ। और एक दो अगर आदमी से भी भेंट करने जा रहा हूँ, अगर मिलने से भी उसको भी आप लोग को दिखाने के लिए ट्राई करेगा उन लोग से। उसके बाद मैं अभी इसलिए आप लोग को वीडियो में बना कर दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप लोग को थोड़ा जानकारी होना चाहिए, तो इसीलिए। तो अच्छा लगने से जरूर लाइक सब्सक्राइब करना। और मैं अभी ईटानगर जा रहा हूँ, तो आपको मैं ईटानगर का रोड को दिखाऊँगा, अपना अरुणाचल का कितना प्रोग्रेस है, तो तब तक आप मेरे साथ में बने रहिएगा और ईटानगर का मज़ा लीजिए रास्तों का, और कैपिटल हमारा ईटानगर कैपिटल के राजधानी का भी आप लोग व्यू को मज़ा लीजिए। चलिए फिलहाल अभी हम लोग पप्पू नाला क्रॉस हो चुका हूँ क्योंकि हम लोग यूपिया होके आया था। ये अपना ईटानगर की फोर लेन आप लोग देख सकता है, ये अपना ईटानगर फोर लेन है, लेकिन कुछ साल पहले बनाया गया, लेकिन बहुत जल्दी ही अपना यहाँ में पता नहीं रास्ता बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है कई कई जगह, शायद अरुणाचल वेदर का लिए भी होता है। अपना यहाँ में 8 महीना तो पूरा बरसात ही होता है, 4 महीना ही मौसम मतलब अच्छा रहता है। तो और अपना डेवलपमेंट और स्टेट है अभी फिलहाल, तो इसलिए रोड का भी थोड़ा कहीं कहीं थोड़ा बनाया गया था, लेकिन वो सब भी फिर ख़राब भी हो गया, तो फिर भी बना फिर उसको रिपेयरिंग करने के लिए भी जरूरत आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपना ईटानगर का एक तो यादगार चीज़ है, बहुत पुराना है, बचपन से हम लोग गुजरते समय देखता था। तो रास्ता अभी इस तरह का डाइवर्ट होने का कारण से अभी उस एरिया को अभी कवर नहीं, तो पहले उसको राउंड होके जाता था पहले ज़माना में, तो अभी उसको सीधा रास्ता बना देने का कारण उस चीज़ को दिखाई नहीं देता। तो अभी जाके देखेंगे, उसे बहुत मेमोरेबल चीज़ है अपना अरुणाचल का। तो चलिए ये देख सकता है कितना बड़ा है स्टैचू, ये देखिए, ये अपना इसका भी एक स्टोरी है अपना अरुणाचल में। तो देख सकता है कितना बड़ा स्टैचू है। तो आपको थोड़ा सा मैं इसका कहानी को थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। ये जो सिंबल जो आप देख रहा होगा पत्थर को, जो ये आपका जो पुशअप कर रहा है इस तरीका से जो एंगल बना कर रखा है जो स्टैचू को, ये एक दर्शाता है कि जब ईटानगर कैपिटल जब ये खोला था उस समय में इंसान लोग इस तरीका से अपना हाथों से पत्थर को इस तरीका से साफ करके रास्ता बनाया गया था, इसलिए उस चीज़ को ये चीज़ को दर्शाता है। तो देख सकता है आप मेरा पीछे में है, मैं जितना हो सके आपको इस चीज़ का थोड़ा स्टोरी बताने की कोशिश किया हूँ। इसका मीनिंग वो था कि ये कैपिटल को खोलने के लिए इंसान ने इस तरीका से अपना हाथों से उन लोग पत्थर को साफ करके अपने हाथों से खुदाई करके रास्ता बनाया गया था, तो इसलिए उस चीज़ को दर्शाता है, ये है इसका सिंबल। तो आप देख सकता है अपना दोस्त है, तो अभी आपको हम इसको पूरा आपको हम दिखाने का ट्राई करेंगे, तो आप देखते हैं। अभी देखो अभी हम उसको ठेलेगा, सिंबल कैसे लग रहा, बराबर हो रहा है कि नहीं, ये है इस तरह का है जो ये जो सिंबल जो आप जो ये घर में पहले आपको बताया, ये अपना आप जब ईटानगर जाएंगे तो आपको बीचों बीच में ये चीज़ को आपको देखने मिलेगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को विजिट कीजिए देखिएगा, क्योंकि अपना अरुणाचल का जो ईटानगर कैपिटल खोलने का जो ये एक मतलब एक साइन अप है जो दिखा रहा है कि ईटानगर कैपिटल को इस तरीका से उन लोग रास्ता को अपना हाथों से पत्थर को साफ करके काट के रास्ता बनाया गया है। तो वही है इसका सिम्टम जो सिंबल जो, तो आप देखिए ये अपना ईटानगर का रोड में है, कैसे लग रहा है देखने के लिए, अच्छा है। तो ये एक मेमोरेबल चीज़ है, जब भी गुजरता है इस चीज़ को आप आके देख सकता है, ये अपना कैपिटल ईटानगर में है, तो ये चीज़ को आपको हम दिखाने के लिए छोटा सा देखने की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर अच्छा लगने से मेरे साथ में आप जुड़ते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना। इसके बाद में मैं अभी अपना फिर ईटानगर चला जाऊंगा जो काम के लिए आया हूं, बस ये छोटा सा चीज़ को आपको मैं रिवील करने की कोशिश किया तो होगा। तो यही है आपको हम बताया था, एक यूनिक चीज़ आपको दिखाएंगे अपना ईटानगर किस तरह का था, तो आपको देख के कैसे लगा जरूर आप लोग कमेंट करना। तो चलिए ना कैपिटल में हेलमेट चेकिंग हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा बात है क्योंकि हेलमेट चेक करना और सेफ्टी देना अच्छा बात है। तो अपना यहाँ में यही एक कैपिटल में एक तो प्रॉब्लम है, जवान लड़का लड़की बिना हेलमेट में वो लोग बाइक स्कूटी बहुत दौड़ाता है और बहुत एक्सीडेंट हो गया इस तरह अपना लाइफ।
लाइफ को खो देता है, तो यह अच्छा बात है। तो देख सकते हैं अपना कैपिटल पहुंचने, अभी मैं आपको अपना कैपिटल की राजधानी का आपको मैं अंदर पास को दिखाऊंगा। तो मैं थोड़ा पहले आपको बताया था अपना कैपिटल में भी अंदर पास है, देख सकता है ये अंदर पास है, ये देखिए खूबसूरत है, इतना ज़्यादा तो नहीं है फिर भी बहुत अच्छा से बनाया गया है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने का कारण क्या होता है, पानी सब डायरेक्ट इधर आ जाता है, इसलिए अगर इसमें मैं भी उम्मीद करता हूँ अगर इसमें ड्रेन सिस्टम बनने से अच्छा है। तो ये है देखिए अंदर पास में क्रॉस हो गया, क्योंकि ड्रेन ना होने का वजह से देखो रास्ता भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ये कोना में स्पेशल ड्रेन होना चाहिए था। फाइनली अभी मैं ईटानगर से वापस आ चुका हूं, तो देखिए आप मेरा GPM आरम्भ बनो, और जिसको मिलना था मिल लिया, और जो था मैं हमारा जो ऑफिशियल काम था हम लोग कर लिया, करके अभी वापस आ रहा हूं। और आपको मैं अभी यहां का नाहरलगन और UPI अपना हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट UPI पकुम पड़ेगा जो रोड है उसको दिखाऊँगा, यहाँ बहुत ट्राफिक होता है, तो आप ये देख सकता है ये जंक्शन पॉइंट है, ये आप जो सीधा देख रहा होगा ये नाहरलगन की ओर, ये नाहरलगन है जो अपना नाहरलगन जाने का है, और ये जो जा रहा हूँ अभी हम लोग इस साइड में ये अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पकुम पड़ेगा UPI ये रोड है, और हम लोग यहीं से होके अपना गांव और अपना पंचायत चला जाता हूँ। हम लोग देख सकते हैं हम दोनों सीधा अपना घर की ओर, और अभी आपको हम यहाँ से और वीडियो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अपना घर की ओर जाएंगे, और हमारा गाड़ी तो वहाँ ख़राब होकर बैठा है वो साइलेंसर, तो उसको वहाँ मैं गैरेज में देख के रखा हूँ बनाने के लिए, तो उसका ईटानगर चला गया था अपना GPM के गाड़ी में, तो अभी मैं अपना वही गैरेज में उतर के अपना गाड़ी लेके जाऊँगा। तो वही है, तो अच्छा लगने से जुड़ा आपको लाइक सब्सक्राइब करना, और मैं अपना डेली लाइफ को आप लोग को हमेशा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर कभी दिन और भी आपको हम और कोई अच्छा कंटेंट दिखाने के लिए ट्राई करेंगे, और आप लोग मेरे साथ में जुड़ते रहना। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।